बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच में भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। इसी तरह से ना जाने कितने कविताओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे वाजपेयी को 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ही तबीयत को ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से अब वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, अटल बिहारी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विरोधी भी उनका दिल से सम्मान करते हैं, और एक सच्चे राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक अलग छवि अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से बनाई थी, और शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत कला ने ही उन्हें राजनीति में एक अलग पहचान दिलवाई। वैसे तो इतने महान शख्सियत के पूरे लाइफ को कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी चलिए इस वीडियो के जरिए हम अटल जी के पूरे सफर को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1924 से, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो कि एक टीचर थे, और उनकी माँ का नाम कृष्णा देवी था। हालांकि अटल जी के पिता एक टीचर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे, और शायद अपने पिताजी से ही अटल बिहारी के अंदर भी कविताएं लिखने की रुचि आई। अटल जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखीबाड़ा ग्वालियर स्कूल से की, और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में मास्टर ऑफ आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। और दोस्तों, अटल जी शुरू से ही राजनीति से काफी लगाव रखते थे, और इसीलिए जब सिर्फ वे 15 साल के थे तभी उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, और फिर आगे चलकर उन्हें 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट भी किया गया, और इसी वजह से उन्हें 23 दिन जेल में भी गुजारने पड़े थे। हालांकि असल मायने में अटल जी का राजनीति में आगमन हुआ 1944 से, जब उन्हें ग्वालियर में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके अलावा आरएसएस के साथ तो वे पहले से ही जुड़े हुए थे, और इस उम्र तक आकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि देश की सेवा के लिए वह शादी नहीं करेंगे। और फिर आगे चलकर 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तब वे आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए, और फिर इसी साल उन्हें आरएसएस का विस्तारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखना भी शुरू कर दिया था। और अब उनका कद धीरे धीरे राजनीति के गलियारों में बढ़ने लगा था। 1957 में वह पहली बार भारतीय जनसंघ पार्टी में रहते हुए दो अलग अलग जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वह मथुरा से तो नहीं जीत सके लेकिन बलरामपुर से जीतने में वे कामयाब रहे। और उसी समय उनके भाषण देने के कमाल की क्षमता को देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अटल बिहारी जरूर ही किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी का मुख्य चेहरा बन चुके थे, और अब इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी अटल जी के जवान कंधों पर थी। हालांकि आगे चलकर 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उनको भी कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब 1977 में दोबारा से इलेक्शन हुए तो जनता दल ने सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और अटल जी को उस वक्त का विदेश मंत्री बनाया गया। और दोस्तों, अटल जी ही पहले ऐसे भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया था। हालांकि 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई, लेकिन तब तक अटल जी खुद को एक सम्माननीय राजनेता के तौर पर स्थापित कर चुके थे। और फिर 1980 में अटल जी ने अपने लंबे समय से मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और इस तरह से वे पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट ही हासिल हुई, इसमें एक अटल जी को और दूसरी लाल कृष्ण आडवाणी को, लेकिन इस हार से अटल जी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वे अपना काम करते रहे। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर 1996 तक अटल जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और वह पहली बार 16 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्यवश यह सरकार चूंकि गठबंधन की सरकार थी इसीलिए ज्यादा नहीं चल सकी, और सिर्फ 13 दिन के बाद अटल जी ने इस्तीफा देकर सरकार को गिरा दिया। और फिर आगे चलकर 1998 में जब एक बार फिर से चुनाव हुए तो यहाँ पर बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने में ही गिर गई। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने के आदेश दिए थे। हालांकि सरकार गिरने के कुछ समय के बाद से फिर से चुनाव कराए गए, और फिर इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 303 सीट मिली, और इस तरह से 13 अक्टूबर 1999 को
अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस बार वे अपना टर्म पूरा करने में भी कामयाब रहे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए जिससे कि भारत की इकोनॉमी भी काफी आगे बढ़ सकी। लेकिन 2004 के चुनाव में हार के बाद से उन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन आज भी हर पार्टी के राजनेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और देश के हित में किए गए उनके शानदार काम के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उनकी देशभक्ति और देश के प्रति सोच आप उनके बहुत सारी किताबों और कविताओं के जरिए भी देख सकते हैं। और दोस्तों, भले ही अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वह हमारे दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। आपका बहुमूल्य